नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अमेरिका पहुंचे मोदी, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन पहुंच गए। मोदी का एयरबस पर भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने वॉशिंगटन पहुंचने के बाद शहीद स्मारक जाकर अज्ञात सैनिकों के स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर अमेरिका के रक्षा मंत्री कार्टर भी मोदी के साथ थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कोलंबिया अंतरिक्षयान स्मारक भी गए। वहां उन्होंने कोलंबिया यान दुर्घटना में मारे गए लोगों की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मोदी ने इस दौरान अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला के परिवार से मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बाद विदेश नीति निर्धारण में सहयोग देने वाले थिंक टैंक के साथ बैठक की। श्री मोदी अपनी इस यात्रा के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ द्विपक्षीय बातचीत करने के साथ ही अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित भी करेंगे। अमेरिकी चुनाव में हिलेरी क्लिंटन होगी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार। अमेरिका के राष्ट्रपति पद की होड़ में शामिल हिलेरी क्लिंटन ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवारी के लिए आवश्यक प्रतिनिधियों का समर्थन हासिल कर लिया है। एसोसिएटेड प्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व विदेश मंत्री क्लिंटन डेमोक्रेटिक पार्टी का टिकट पाने वाली पहली महिला होंगी। उन्होंने 2383 प्रतिनिधियों का समर्थन हासिल कर लिया है। पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी हिलेरी डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी की दौड़ में पहले से ही आगे चल रही थी और उन्होंने गत रविवार को पुएर्टो रिको प्राइमरी में जीत हासिल की थी। हिलेरी रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के सामने मैदान में उतरेंगी और यदि वह चुनाव जीतती है तो अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बन जाएंगी। डेमोक्रेटिक पार्टी जुलाई में फिलाडेल्फिया में आयोजित होने वाले अपने एक सम्मेलन में औपचारिक रूप से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित करेगी और 8 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव संपन्न होगा। कांग्रेस नेता गुरुदास कामत ने राजनीति छोड़ी। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं मुंबई कांग्रेस के प्रमुख गुरुदास कामत ने घोषणा की कि वह राजनीति छोड़ रहे हैं। यह कदम अगले वर्ष होने वाले मुंबई निकाय चुनाव से पहले आया है, जिसमें कांग्रेस नगर निगम से शिवसेना भाजपा गठबंधन के वर्चस्व को समाप्त करने का प्रयास करेगी। 61 वर्षीय कामत ने कहा कि प्रिय मित्रों, पिछले 44 वर्षों से मैंने आप में से अधिकतर के साथ काम किया है और कांग्रेस की सेवा की है। पिछले कई महीने से मैं राजनीति छोड़ने की जरूरत महसूस कर रहा था ताकि अन्य लोगों को मौका मिले। उन्होंने कहा कि मैंने माननीय कांग्रेस अध्यक्ष से 10 दिन पहले मुलाकात की और त्याग पत्र देने की इच्छा जताई। इसके बाद मैंने सोनिया जी और राहुल जी दोनों को पत्र भेजे कि मैं हटना चाहता हूं। कामत ने अपने बयान में कहा कि चूंकि कोई जवाब नहीं आया है, मैंने औपचारिक रूप से सूचित किया कि मैं राजनीति से संन्यास लेना चाहता हूं। मैं पार्टी नेतृत्व और आप सभी को शुभकामना देता हूं।